वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी हिट जरूर कर देना। सो आर यू एक्साइटेड? आज हम क्रिएट करने जा रहे हैं शेरशाह, इतना सुपर हिट मूवी और इतनी ब्यूटीफुल सी कियारा, तो उसका इंस्पायर्ड लुक करना तो बनता ही था। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे मैं निविया सॉफ्ट का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ और ये मैं बहुत लॉन्ग टर्म तक यूज़ करती हूँ, तो मेरे कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ स्किन में बहुत सही बैठता है। तो फिर यस, ये मेरा पहला स्टेप है। फिर उसके बाद मैं यूज़ करूँगी प्राइमर, बॉन्जर का प्राइमर यूज़ करूँ, तो ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है। तो या तो अपने टी जोन एरिया में बस लगा दे रही हूँ। अपने आईब्रोज के साथ स्टार्ट करेंगे। सो मेरे पास ये वाली ब्लू हेवन की आईब्रो है, इसका मैं एक्चुअली तोड़ दी थी। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दे रही हूँ, ग्रे कलर का आईब्रो पेंसिल है। फिर उसके बाद मैं इसको ब्रश कर दूँगी। तो मैं इनसाइड का कलर करेक्टर के साथ जा रही हूँ, सो ऑरेंज वाली। फेवरेट सॉन्ग, शेरशाह का फेवरेट सॉन्ग है उसमें से राता लंबिया, तो हाँ वो गाना बहुत ही मस्त है। और रांझा वाला मेरा सेकंड फेवरेट है। तो यस, कंसीलर के लिए मैं अपना स्वीस ब्यूटी का कंसीलर यूज़ करूँगी इन शेड 01। ये थोड़ा सा डार्क शेड है बट मुझे मिक्सिंग करके कंसीलर लगाना ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैं अपने वेट वाला ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ करूँगी क्योंकि बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। तो फिर आप भी अपने स्पॉन्ज को वेट कर लीजिए फिर यूज़ कीजिए। मेरे पास लाइट शेड का भी है तो इसको भी मैं थोड़ा थोड़ा अप्लाई कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं सब कंसीलर से काम चला रही हूँ, कोई फाउंडेशन यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो फिर मैं कंसीलर को ही अपने बस अपने टी जोन एरिया में फिल कर दूंगी और बस मेरा बेस लुक तैयार। ज़्यादा हैवी भी फील नहीं होगा अगर आप लाइट मेकअप यूज़ कर रहे हैं और बहुत ही ब्यूटीफुली खिल के निकलता है। वैसे मूवी का आपका फेवरेट सीन क्या है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। ये बेस कंप्लीट रेडी हो गया, तो अभी हम आई शेडो के साथ स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट मार्स का बेसिक। तो मैं यहाँ पे तीन शेड यूज़ कर रही हूँ। तो फिर आपको अगर मेरे कुछ भी प्रोडक्ट अच्छे लगे तो आप मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं और आप मेरे लिंक से ख़रीद सकते हैं। आपको कुछ महंगा नहीं पड़ेगा, आपको उतना ही प्राइस में मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं अपना आई शेडो को अच्छी तरीके से लगा ले रही हूँ, अच्छे से ब्लेंड करके। कुछ भी चीज़ आई शेडो लगाते हैं अच्छी तरीके से ब्लेंड ज़रूर कीजिएगा ताकि वो बहुत स्मूथ नज़र आए। तो सबसे इमोशनल पार्ट था वो मूवी का जब कैप्टन विक्रम बत्रा का डेथ हो जाता है और बहुत सच में रोना आ जाता है। यहाँ पे मैं लैक्मी का लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ और इसको मैं अच्छी तरीके से सेट कर लूँगी अपने टी जोन एरिया में, जहाँ मुझे लगता है कि अप्लाई करने से वो अच्छा स्मूथनेस देगा। मैं यहाँ पे अपने अंडर आईज़ में, फिर अपने टी जोन एरिया में अपने लूज़ पाउडर को डैब डैब करके लगा दे रही हूँ। फिर उसको मैं ब्रश आउट कर लूँगी।
तो यहाँ पे मैं माई ग्लैम का लिपस्टिक ले रही हूँ जो लाइट शेड में है, और ये पूरा परफेक्ट ब्लश लगेगा, एकदम नेचुरल लुक देगा, जैसे शेरशाह में कियारा का लुक है। सो यस, अच्छे से इसको मैं वही स्पंज में डैब डैब कर दे रही हूँ। और मेरा हमेशा से मैं बोलती हूँ ब्लश हमेशा स्माइल करते हुए लगाना चाहिए, सो स्माइल करते हुए ब्लश लगाएं। मैं फिर से माई ग्लैम का 3 शेड पैलेट ले रही हूँ, कॉन्टोर शेड। तो इसको मैं हल्का हल्का कॉन्टोरिंग करूँगी, ज़्यादा कॉन्टोरिंग नहीं करूँगी, बस अपने चेक्स और अपने फोरहेड तरफ बस। सो यहाँ पे मैं LE18 का काजल यूज़ कर रही हूँ और अपने वाटर लाइन में लगा दे रही हूँ। फिर उसके बाद मैं इसको स्मच कर दूँगी एक ब्रश के हेल्प से। तो यस, ये अपने स्मच कर लिया। सो यहाँ पे मैं मेबलिन कॉलोसल का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ और ये वाटरप्रूफ मस्कारा है, तो ये मैं डबल कोटिंग के साथ यूज़ कर रही हूँ। सो मैं यहाँ पे लिप लाइनर ले रही हूँ और अपने लिप्स को स्ट्रक्चर कर दे रही हूँ अच्छे तरीके से। और मैं यहाँ पे माई ग्लैम का लिपस्टिक लेके ब्राउन शेड में है और ये बहुत डार्क है, तो मैं इसको हल्का हल्का लगाऊंगी ताकि ये थोड़ा सा लाइट शेड और न्यूड शेड दिखे। अभी मेरा फुल फेस मेकअप रेडी हो गया, अभी बस थोड़ी बहुत गेटअप यूज़ करना है जो कियारा मैम ने किया है। सो लेट्स गेट रेडी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा। तो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट भी ज़रूर कर देना आपको ये लुक कैसा लगा, क्या मुझे ऐसे लुक्स और भी क्रिएट करना चाहिए या नहीं, तो लेट मी नो इन माई कमेंट्स। सो अगर आप अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं करो तो जल्दी जल्दी लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किए हो मेरे चैनल को तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो। और तब तक के लिए मैं जाती हूँ और मैं फिर से ऐसे ही आइडियाज लेके आती रहूँगी। सो कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड स्टे सेफ। बाय।